आता है और इस आलस को हम हमारी जीवन से कैसे दूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल दिव्य सृष्टि पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आलस क्यों आता है और इस आलस जैसे खतरनाक बीमारी को हम हमारी जीवन से निकल कर कैसे दूर फेंक सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जिसके द्वारा आप जानेंगे कि कैसे आलस आपके जीवन पर हावी होता जा रहा है और कैसे आप उसे अपने जीवन से बाहर निकल सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनते हैं, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जीवन बदलना तय है। इसीलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस कहानी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारी दिव्य सृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक नौजवान लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि मुझे आलस क्यों आता है। फिर वो महात्मा उस लड़के को उत्तर देते हुए कहते हैं कि आलस आने के दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होना, और दूसरा कारण है कि हमारा मन और शरीर कैसे काम करता है उसकी समझ ना होना। जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, उसके जीवन से तो आलस जा ही नहीं सकता। लेकिन जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य तो है, लेकिन उसे अपने शरीर और मन की समझ नहीं है, वो भी आलस की चपेटे में आ जाता है। हमारा मन बहुत ही बड़ा कलाकार है और ये हमें मूर्ख बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो ये तुमसे कभी भी ध्यान करने के लिए मना नहीं करेगा। ये तुमसे कहेगा कि ध्यान करना ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा अच्छा होता है। अब ना तो तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे और ना ही तुम ध्यान कर पाओगे। ये तुम्हें धन कमाने के लिए भी कभी मना नहीं करेगा, लेकिन ये तुमसे कहेगा कि धन ही सब कुछ थोड़ी ही होता है और ये कभी भी तुम्हारा विरोध नहीं करता, बल्कि ये तुम्हें मूर्ख बनाता है। और कमाल की बात ये है कि तुम मूर्ख बनते हो। फिर वो लड़का उन महात्मा से पूछता है। महात्मा जी कहते हैं कि जो ये तुम्हारे साथ कर रहा है वही तुम इसके साथ करो, यानी कि तुम्हारा मन तुम्हें मूर्ख बना रहा है तो तुम उसे मूर्ख बनाओ। जब तुम्हारा मन तुम्हें कहेगा कि कुछ देर सो जा तू, उसके बाद काम करना, तो तुम उससे कहो कि कुछ देर क्यों, ज्यादा देर सोऊंगा लेकिन उससे पहले काम पूरा करूंगा। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा आज स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा, तो तुम तुरंत उससे कहो कि स्वादिष्ट क्यों, अति स्वादिष्ट खाऊंगा लेकिन उससे पहले एक घंटे व्यायाम करूंगा। फिर वो व्यक्ति उस महात्मा से पूछता है कि लेकिन कब तक मैं अपने मन को मूर्ख बनाऊं? फिर वो महात्मा जी उससे कहते हैं कि जब तक तुम अपने आलस से मुक्त रहना चाहते हो, तब तक तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाते रहना है। फिर वो व्यक्ति पूछता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे अफसोस होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भीतर से ही कुछ करने का मन ही नहीं करता। फिर ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ? वो महात्मा जी कहते हैं कि मन को तो तुम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन शरीर को तुम्हें समझाना होगा। हमारा शरीर चलता है भोजन से, और अगर तुम मरा हुआ भोजन खाओगे तो वो तुम्हें ऊर्जा कैसे देगा? मरे हुए भोजन का अर्थ ये है कि ऐसा भोजन जो व्यक्ति अपने सिर्फ स्वाद के लिए खाता है, जिससे शरीर का उचित विकास नहीं होता है, जैसे कि मिठाइयाँ, पिज्जा, बर्गर
आदि। इसीलिए भोजन ऐसा करो जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा पैदा करे, ना कि आलस, जैसे कि फल और घर का सादा भोजन आदि। फिर वो लड़का महात्मा से पूछता है कि महात्मन, मैं शुरुआत कैसे करूं? महात्मा जी कहते हैं कि शुरुआत करो एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने से, यानी कि एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। तुम्हारा लक्ष्य केवल कहने के लिए बड़ा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस लक्ष्य के साथ तुम्हारी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोच कर ही तुम्हारे आँखों में आंसू आ जाता है, तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारा लक्ष्य ही तुमसे सब कुछ करवा देगा। और अगर लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है या फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर अपने लक्ष्य को खो जाने ही अपना लक्ष्य बना लो। जिस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने बनाया था, उन्हें पहले अपना लक्ष्य थोड़ी ही पता था कि वहाँ मिल जाएगी मंजिल, वो तो सिर्फ निकल पड़े थे। आशा थी मन में, लेकिन वो भी टूटने लगी थी। लेकिन अंदर से प्यास इतनी गहरी थी कि लक्ष्य को पा कर ही रही। जब तक तुम्हें ये पता नहीं चलता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तब तक तुम अपने मन को मूर्ख बनाते रहो, जैसे वो तुम्हें बना रहा था। कोई भी व्यक्ति शराबी बनना नहीं चाहता है, लेकिन उसका मन उसे मूर्ख बना बना कर उसे एक शराबी बना देता है। कोई भी व्यक्ति चोर बनना नहीं चाहता, लेकिन ये मन उसे बार बार मूर्ख बना कर उसे एक चोर बना देता है। एक बात को तुम हमेशा याद रखना कि जब तक तुम बुद्धि से ऊपर उठकर बुद्ध नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारे पास दो विकल्प है। या तो तुम अपने मन के द्वारा मूर्ख बनो, या फिर तुम इससे मूर्ख बनाओ। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर दिया, तो ये तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। फिर वो नौजवान लड़का कहता है कि ये तो आसान है, मन को मूर्ख बनाया जा सकता है। वो महात्मा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये आसान भी तुम्हारा मन को ही लग रहा है। ये मन कब और कैसी चाल चलेगा, उसके लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा। अपनी जागरूकता को बढ़ाओ और जागरूक व्यक्तियों के साथ रहो, या फिर अपने खुद के साथ समय बिताओ। अगर तुम आलसी व्यक्तियों के साथ रहोगे, तो तुम भी आलसी होंगे। और अगर तुम ऊर्जावान लोगों के साथ रहोगे, तो तुम भी ऊर्जावान बनोगे। फिर वो लड़का महात्मा जी से कहता है कि मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना अभी और इसी वक्त से शुरू कर देना चाहिए। महात्मा कहते हैं कि हाँ, सही कहा तुमने, सही समय की प्रतीक्षा करना भी इसी मन का ही एक चाल है। इसीलिए अभी और इसी वक्त से ही काम पर लग जाओ। तो दोस्तों, जो लोग अभी इस कहानी को सुन रहे हैं, क्या आप भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं, या फिर इसी समय को सही बनाने की ठान चुके हैं? ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आज का ये कहानी आपको कैसे लगा और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, तो प्लीज चैनल दिव्य सृष्टि को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि भविष्य में इस चैनल पर जो भी वीडियो आए, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।